हेलो प्यारे बच्चों, हाथ साबुन से धोए या नहीं? नहीं धोए ना, मतलब अच्छे से नहीं धोए हैं, है ना। जैसे कि एडवर्टाइज में दिखाया जा रहा है पीछे से कैसे धोना, झाग बनते तक धोना है। सैनिटाइजर प्रयोग किया कि नहीं किया? नहीं किया, वो भी नहीं किया। और फर्स्ट वीडियो ध्यान से देखा कि नहीं देखा? वो भी शायद नहीं देखा। तो फिर क्या करिए कि फटाफट अपने हाथों को पहले साबुन से धो लीजिए और फिर समय समय पर सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए। सैनिटाइजर पूरे दिन नहीं लगाना है, समय समय पर उसका प्रयोग करना है। अपने परिवार के सदस्यों का व अपना ध्यान रखिए, है ना, क्योंकि यह समय हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। और वीडियो भी समय समय पर देखते रहिए, अदरवाइज सारा काम पेंडिंग होता जाएगा और पेंडिंग होने का अर्थ है सिरदर्द। तो क्यों ना टाइम टू टाइम अपना काम करते रहें जिसमें बाद में हेडेक ना हो। प्यारे बच्चों, अनुशासन का पालन करना कोरोना ने सिखा दिया। अनुशासन का पालन करना हमें कोरोना ने सिखा दिया। जान है तो जहान है, मानवता की भावना का मन में जलता रहे दिया। मानवता की भावना का सदा मन में जलता रहे दिया। तो डियर स्टूडेंट, रेडी हो जाइए क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न हेडिंग डालकर क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कवि ईश्वर को क्या कहकर संबोधित कर रहा है? इसका आंसर इस प्रकार है, कवि ईश्वर को अंतर्यामी कहकर संबोधित कर रहा है। कवि ईश्वर को अंतर्यामी कहकर संबोधित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर टू, पहले अंश के किस शब्दों से पता चलता है कि कवि खाली नहीं बैठे रहना चाहता? कभी शब्द को कवि कर लीजिएगा। आंसर इस प्रकार है, जागृत करो, उद्यत करो, अंश से पता चलता है कि कवि खाली नहीं बैठे रहना चाहता। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, कविता की किस पंक्ति से पता चलता है कि कवि सभी के साथ मिलकर चलना चाहता है? आंसर नंबर 3 आपके सामने ये है, सबके संग युक्त करो, बंधन से मुक्त करो, सकल कर्म में संचरित कर। इन्हीं पंक्तियों से पता चलता है कि कवि सभी के साथ मिलकर चलना चाहता है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए, लिखित प्रश्नोत्तर। तो लिखित प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कविता के पहले अंश में कवि ईश्वर से किन गुणों की याचना कर रहा है? आंसर है, कविता के पहले अंश में कवि ईश्वर से अंतर मन विकसित करने, उज्जवल करने, जागृत व उदित करने, निर्लस व निसंशय करने कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तो सेकंड क्वेश्चन लिखिए आप, कविता के पहले अंश के किन शब्दों से पता चलता है कि कवि मन की बुरी भावनाओं को दूर करना चाहता है? आंसर इस प्रकार है, कविता के पहले अंश के निर्लस व निसंशय शब्दों से पता चलता है कि कवि मन की बुरी भावनाओं को दूर करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, कवि ईश्वर की शरण में रहना चाहता है। कवि ईश्वर की शरण में रहना चाहता है, इस भाव को कवि ने किन शब्दों में प्रकट किया है? आंसर इस प्रकार है, आंसर नंबर 3 इस प्रकार है, मेरा अंतर चरण कमल में निस्पंदित करो पंक्ति के माध्यम से कवि ईश्वर की शरण में रहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, चरण कमल में निस्पंदित करो, यहाँ पर निस शब्द जो है उसको आप कट कर दीजिएगा, निस्पंदित करो, वंदित करो, चरण कमल में निस्पंदित करो, वंदित करो, इन पंक्तियों में कवि ने
अपने मन की किस भावना को प्रकट किया है? आंसर इस प्रकार है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो अब लिखिए, आपके कमल रूपी चरणों में मेरा मन लगा रहे, मेरे मन में कोई भ्रम ना हो, कोई चंचलता ना हो और मेरे मन को प्रसन्नता मिले, खुश रहे, जैसी भावनाओं को कवि ने प्रकट किया है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, भाव स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है भाव स्पष्ट कीजिए। सबके संग युक्त करो, बंधन से मुक्त करो, सकल कर्म में संचरित कर निज छंद में शामिल करो। यहाँ पर शकल शक्ल आया है, वहां सकल कर लीजिएगा। भाव यह है कि सभी के साथ जोड़कर या मिलाकर रखो, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करो, सभी कर्म करने के लिए गतिमान करो, मेरे मन को सभी प्रकार से नियंत्रण में रखकर शांत करो। बच्चों, मैंने आपको मौखिक व लिखित प्रश्न जो अभी लिखवाए हैं उसमें कुछ मिस्टेक हुई है, उस मिस्टेक को आपको सुधारना होगा। पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में कभी शब्द आया है, तो वो कभी की जगह आप कवि कर लीजिए, कभी की जगह कवि कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 में जागृत शब्द गलत लिखा है, तो उसे भी आप सुधार लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4 में प्रसन्नता मिल खुश रहें, प्रसन्नता मिल खुश रहें, यह भी आप सुधार लीजिएगा। तो अब इसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दे रही हूँ, जिसे हिंदी में वैकल्पिक प्रश्न कहते हैं। आपने देखा होगा, आपको मैंने पेज भेजे हैं पहले या अभी भेजूंगी, उसमें आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द आदि है, वह वैकल्पिक प्रश्न है, तो वह भी अपनी कॉपी में उतार लीजिए। उन्हें कॉपी में उतारना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अभी आपके पास बुक नहीं है, तो प्लीज कॉपी में अपनी यह सब उतार लीजिए। अब आपका होमवर्क आता है, तो होमवर्क में आपको क्या करना है, शब्दार्थ लर्न करने हैं, होमवर्क में आपको शब्दार्थ लर्न करने हैं, और दूसरा वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर कॉपी में उतारने हैं, और तीसरा मौखिक व लिखित प्रश्नों के उत्तर भी आपको अपनी कॉपी में उतारने हैं। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना कार्य समय पर करते रहिए। थैंक यू।